जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आज रविवार के दिन सूर्य देव की महिमा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्म स्वरूप हैं। यही अखिल सृष्टि के आदि कारण हैं। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। पौराणिक संदर्भ में सूर्यदेव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं, यद्यपि उनमें बड़े घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए अदिति के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम आदित्य हुआ। पैतृक नाम के आधार पर वे कश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देवमाता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी तुम चिंता का त्याग कर दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने 1000वें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुई। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत उपवास करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, अदिति तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी और पुष्ट रखना चाहिए, परंतु यह तुम्हारा कैसा विवेक है कि तुम व्रत उपवास के द्वारा अपने गर्भांड को ही नष्ट करने पर तुली हो। अदिति ने कहा, स्वामी आप चिंता न करें, मेरा गर्भ साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है, यह सदा विनाशी है। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देव शत्रु असुरों का संहार किया। भगवान सूर्य के परिवार की विस्तृत कथा भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा साम पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवगणों का बिना साधना एवं भगवत कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन होना संभव नहीं है। शास्त्र के आज्ञा अनुसार केवल भावना के द्वारा ही ध्यान और समाधि में उनका अनुभव हो पाता है, किंतु भगवान सूर्य नित्य सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की नित्य उपासना करनी चाहिए। वैदिक सूक्तों पुराणों तथा आगमादि ग्रंथों में भगवान सूर्य की नित्य आराधना का निर्देश है। मंत्र महोदधि तथा विधाड़ों में भगवान सूर्य के दो प्रकार के मंत्र मिलते हैं। प्रथम मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्यार तथा द्वितीय मंत्र ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्यार श्री ह्री महा
लक्ष्मी प्रियच्छ। भगवान सूर्य के अर्घदान की विशेष महत्व है। प्रतिदिन प्रातः का रक्त चंदनादि से मंडल बनाकर तथा ताम्र पात्र में जल, लाल चंदन, चावल, रक्त पुष्प और कुसादि रखकर सूर्य मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्यार्घ का मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मा भक्तया गृहार्ध्य दिवाकर है। अर्घदान से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य आयु, आरोग्य, धन धान्य, यश, विद्या, सौभाग्य, मुक्ति सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान विराट के नेत्र से जिनकी अभिव्यक्ति है, जो लोग लोचन के अधिदेवता हैं, जो उपासना करने पर समस्त रोगों, नेत्र दोषों, ग्रह पीड़ाओं को दूर करके उपासक के संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अनादिकाल से भारतीय कर्मनिष्ठ द्विजादि जिन्हें प्रतिदिन अपनी अधरंजलि निवेदित करते हैं, जो समस्त चराचर जगत के जीवनदाता और संपूर्ण प्राणियों के आराध्य हैं, उन ज्योति घन जीवन, उष्णता और ज्ञान के स्वरूप भगवान सूर्य नारायण को हमारा सत सत नमन। दृश्य सूर्य मंडल उनका एक स्थूल निवास है। विश्व में कोटि कोटि सूर्य मंडल हैं। विज्ञान आकाश गंगा के प्रत्येक तारक को सूर्य कहता है। हमारे गगन की आकाश गंगा के पीछे कितने ही निहारिका मंडल हैं। सब आकाश गंगा हैं, सब सूर्यों से जगमगाती हैं। कोई नहीं जानता उनकी संख्या कितनी है। उन सब सूर्यों के अधिष्ठाता भगवान नारायण ही हैं। श्री सूर्य नारायण की आराधना इसी रूप में आराधक करते हैं। महर्षि कश्यप लोक पिता हैं। उनकी पत्नी देव माता अदिति के गर्भ से भगवान विराट के नेत्रों से व्यक्त सूर्यदेव जगत में प्रकट हुए। सूर्य मंडल का दृश्य रूप भौतिक जगत में उनकी दीनी है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उनका परिणय हुआ। संज्ञा के दो पुत्र और एक कन्या हुई, श्राद्धदेव, वैवस्व मनु और यमराज तथा यमुना जी। संज्ञा भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। उसने अपनी छाया उनके पास छोड़ दी और स्वयं घोड़ी का रूप धारण करके तप करने लगी। उस छाया से सनश्चर सावरी मनु और तप्ती नाम की कन्या हुई। भगवान सूर्य ने जब संज्ञा को तप करते देखा तो उन्हें तुष्ट करके अपने यहाँ ले आए। संज्ञा के बड़वा घोड़ी रूप से अश्विनी कुमार हुए। त्रेता में कपिराज सुग्रीव और द्वापर में महारथी कर भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुए। पक्षीराज गरुड़ के बड़े भाई बिंतानंदन अरुण जी भगवान सूर्य के रथ को हाँकते हैं। रथ में 7 उज्जवल घोड़े जुते हैं। अहर्निश यह रथ पूर्ण वेग से चलता रहता है। शौर्य सिद्धांत भी वस्तुतः सूर्य को गतिशील मानता है। भगवान के महान विद्वान अभी परस्पर इस संबंध में सहमत नहीं है। उनका अन्वेषण चल रहा है। नित्य नए सिद्धांत वहां बनते जा रहे हैं। भगवान सूर्य अपने रथ पर आसीन
अभिशांत भाव से मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। उन्हीं के द्वारा दिन रात्रि मास ऋतु अयन वर्ष आदि का विभाग होता है। वही दिशाओं के भी विभाजक हैं। भगवान सूर्य की उपासना 12 महीनों में 12 नामों से होती है। उस समय उनके पार्षद भी परिवर्तित हो जाते हैं। इन पार्षदों में ऋषि अप्सराएं, गंधर्व, राक्षस, भल और नाग हैं। ऋषि रथ से आगे चलते हुए भगवान की स्तुति करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, राक्षस रथ को पीछे से ठेलते हैं, भल रथ योजक बनते हैं और नाग रथ को ले चलते हैं। संध्या भगवान आदित्य की ही उपासना है और वह द्विजाति मात्र का एक अनिवार्य कर्तव्य है।